स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्मार्ट जॉब्स में। तो दोस्तों, आज की जो वैकेंसी आ रही है वो आ रही है टॉप MNC की तरफ से। तो दोस्तों, यहाँ पर जो कंपनी रहने वाली है टाटा पावर रहने वाली है। बेसिकली दोस्तों, ये जो है टाटा का ही एक ग्रुप है। यहाँ पर गाइस बल्क में हायरिंग होती है काफ़ी ज़्यादा, और आप लोग देख पा रहे होंगे, जैसा कि आप लोग जानते हैं मार्च, यहाँ पर देखिए मार्च अप्रैल के लगभग में काफ़ी ज़्यादा टाटा की तरफ से हायरिंग निकलती है। यहाँ पर देखिए आप लोग टाटा कम्युनिकेशन, TCS, इन सब में बहुत ज़्यादा हायरिंग निकलती है। तो आप लोग को मैं बता दूं, यहाँ पर ज़रूर से अप्लाई करें आप लोग। देखिए यहाँ पर आप लोग की टाटा पावर की तरफ से आ रही है ऑल इंडिया, यहाँ पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पर डिप्लोमा से हैं या फिर BE BTech है, यहाँ पर अगर आपने BE किया है या BTech किया है, या फिर अगर आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं गाइस। यहाँ पर 12th वाले स्टूडेंट एलिजिबल नहीं है, इस चीज़ का ध्यान दें। ऑल ब्रांच यहाँ पर एलिजिबल रहने वाले हैं आप लोग। और साथ में देखिए मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर 2022 के कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, 2022, 21 यहाँ पर, और यहाँ पर 2022 से लेके 2018 तक के यहाँ पर जो है स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बैच वाली हायरिंग हो रही है। और यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूँ किस तरीके से आप लोग को यहाँ पर सर्च करना है, ये सारी चीज़ें मैं आप लोग को बता देती हूँ। देखिए आप लोग यहाँ पर ब्राउज़र पर सर्च करेंगे टाटा पावर, उसके बाद आप लोग को इस तरीके का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा गाइस। यहाँ पर आप लोग देखने के बाद इसकी जो फर्स्ट साइड है उस पर आप लोग चले जाएंगे, या फिर इसकी करियर साइड पर, तो आप लोग दोनों में से किसी भी साइड पर जा सकते हैं। तो आप लोग यहाँ पर करियर साइड पर चले जाएंगे। करियर साइड पर जाने से इस तरीके का पेज ओपन हो जाएगा। अगर गाइस आप लोग फ़ोन में ओपन कर रहे हैं तो प्लीज़ गाइस आप लोग जो है अपना फ़ोन डेस्कटॉप मोड पर कर लें, जिससे कि आप लोग को इस तरीके का इंटरफेस देखने में आसानी हो। साथ में देखिए यहाँ पर आप लोग को देखिए देख पा रहे हैं करियर का ऑप्शन आ रहा है। इस करियर ऑप्शन पे आप लोग को क्लिक करना है। देन यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर कई ऑप्शन आ रहे हैं, जैसे अपॉर्चुनिटी, तो अपॉर्चुनिटी फ्रेशर, तो आप लोग यहाँ पर अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करिए गाइस। जैसे ही आप लोग अपॉर्चुनिटी पर क्लिक करेंगे तो ये जो है आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगी यहाँ पर जितनी भी अपॉर्चुनिटी आप लोग की निकल कर आ रही है। इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करते हैं, इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग का देखिए स्टार्ट का यहाँ पर ऑप्शन दिया होता है साइड में, इस स्टार्ट के ऑप्शन को आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आप लोग को जो मेन वैकेंसी है रिसेंटली में निकली हुई है वो आप लोग को गाइस शो हो जाएगी। यहाँ पर देखिए आप लोग की जो रिसेंटली में निकली हुई है वो यहाँ पर शो हो चुकी हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग की पोस्ट रहने वाली है एसोसिएट की, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं एसोसिएट पोस्ट रहने वाली है। सेकंड पोस्ट है एसोसिएट कॉर्पोरेट प्रोजेक्ट की। यहाँ पर आप लोग का जो कोड दे रखा है यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग को 2 मार्च और 3 मार्च को यहाँ पर पोस्ट आउट की गई है, रिसेंटली में पोस्ट आउट की गई है। अब देखिए यहाँ पर आप लोग इसके बारे में थोड़ा डिटेल में जानना चाहते हैं तो यहाँ से आप लोग इसे ओपन कर सकते हैं डबल टैप करके। देन आप लोग को यहाँ पर देख पाएंगे डिपार्टमेंट क्या रहेगा, ये सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पर दे रखी हैं, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। अब मैं आप लोग को बता दूँ अप्लाई करने का तरीका। सबसे पहले देखिए अप्लाई करने के लिए मैं आप लोग को हमेशा यही बोलती हूँ कि आप लोग को क्या करना है, जो टाटा वाली जो जितनी भी कंपनियाँ या फिर टाटा की जितना भी करियर पेज है उस पर आप लोग क्या करें, अपने आप को रजिस्टर करके रखें। उससे प्रॉफिट ये होता है गाइस, आप लोग को बार बार रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। या फिर आप लोग की जो लिंक्डइन ID होती है उस पर अपनी प्रोफाइल बना लें। प्रोफाइल बनाने से प्रॉफिट ये होता है कि आप लोग इस तरीके के जितने भी जॉब्स को आप लोग यहाँ पर फिल करेंगे उसमें आप लोग को पूरा डेटा भरने की ज़रूरत नहीं होती है। सिर्फ और सिर्फ लिंक्डइन आईडी को 100% क्रिएट करने से ही आप लोग की जो है यहाँ पर पूरा हो जाता है अपने आप फिल ऑटोमेटिक। तो आप लोग देखिए यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे, जैसे ही आप लोग यहाँ पर अप्लाई पर क्लिक करेंगे इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। यहाँ पर आप लोग को क्या करना है, देखिए सबसे पहले आप लोग को यहाँ पर अपना फर्स्ट नेम डालना है, सेकंड नेम डालना है, लास्ट नेम, तो ये डालेंगे। फर्स्ट नेम में गाइस आप लोग डालेंगे जैसे मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, बॉयज़ हैं, मिस्टर मिसेज जो भी आप लोग हैं वो डालेंगे। सेकंड में अपना नेम, लास्ट में अपना जो सर नेम डालेंगे। पासवर्ड यहाँ पर डाल देंगे एंड रीसेट पासवर्ड। अब रिपीट पासवर्ड, देखिए पासवर्ड में मैं हमेशा आप लोग को एक ही चीज़ बोलती हूँ, पासवर्ड आप लोग को एक तरीके से पूरा मिला के बनाया करिए, जैसे कई सारे करेक्टरिस्टिक बनाया करिए, 16 अक्षर से आप लोग का ज़्यादा नहीं होना चाहिए और मिनिमम 8 वर्ड से जो है आप लोग का कम नहीं होना चाहिए, मतलब 8 अक्षर से कम नहीं होना चाहिए आप लोग का पासवर्ड।
और आप लोग की जो है कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, स्पेसिफिक लेटर, काउंटिंग, ये सारे चीज़ों से मिलकर आप लोग का पासवर्ड बना होना चाहिए। देन आप लोग यहाँ पर रिपीट ईमेल आईडी करेंगे। उसके बाद आप लोगों को क्या करना है, यहाँ पर इस पर क्लिक करके कर देंगे। जैसे इस पर क्लिक कर देंगे, ये रजिस्ट्रेशन के लिए यहाँ पर तैयार हो जाएगा। पूरा बायोडाटा भरने के बाद आप जैसे यहाँ पर करेंगे, रजिस्टर हो जाएगा। इस तरीके का आप लोग के में टैब ओपन हो जाएगा जब आप लोग रजिस्टर कर लेंगे। और रजिस्टर करने में आप लोग को दो जगह जैसे प्रॉब्लम आ सकती है, जैसे आप लोग पासवर्ड बनाएंगे। पासवर्ड का मैं एक जनरली एक फॉर्मेट बता देती हूँ जिससे आप लोग को आसानी हो। जैसे देखिए, मैं यहाँ पर कैपिटल में एक में कोई भी अक्षर ले लेती हूँ, स्मॉल में ले लिया के, फिर मान लीजिए कैपिटल में मैंने फिर से ले लिया, स्मॉल में एल ले लिया, जी ले लिया और आर ले लिया। अब मैंने कोई भी एक स्पेसिफिक ले लूँगी, ऐट द रेट ले लिया। अब यहाँ पर मैंने मान लीजिए कुछ फिर से स्मॉल ले लिया यहाँ पर, और यहाँ पर फिर से यहाँ पर स्मॉल ले लिया, फिर पॉइंट ले लिया यहाँ पर, देखिए ये पॉइंट। फिर मैंने मान लीजिए नाइन ले लिया। अब यहाँ पर मैं कुछ भी यहाँ पर देखिए ओ ले लिया, यहाँ पर जो है एट ले लिया। तो एक तरीके से ये आप लोग का पासवर्ड बन गया सभी अक्षर को मिला के। अब यहाँ पर ईमेल आईडी की बात करें हम लोग, तो ईमेल आईडी आप लोग इस तरीके की डालेंगे। जैसे अगर आपने यहाँ पर टाटा पावर में पहले, यहाँ पर टाटा पावर में क्या है, पहले आपने अगर कभी भी यहाँ पर ओपन किया होगा और उसके बाद आपको आईडी पासवर्ड मिल गया होगा, तो ये दोबारा यहाँ पर ओपन नहीं करेगा जब तक कि आप लोग उसका आईडी पासवर्ड नहीं डालेंगे। तो इसलिए आप लोगों को क्या करना होगा गाइस, यहाँ पर एक नई ईमेल आईडी लेनी होगी जिससे आप लोगों ने कभी भी ओपन नहीं किया है। उस ईमेल आईडी को आप लोग यहाँ पर डालेंगे, क्या करेंगे, उस ईमेल को आप लोग यहाँ पर डालेंगे, उसके बाद आप लोग इसे ओपन कर लेंगे। तो इस तरीके का इंटरफेस ओपन हो जाएगा जैसा आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर कई सारे स्टेप है, जैसे पर्सनल डाटा, पर्सनल डाटा के लिए एक ओपन हो जाएगा, एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो इसमें एजुकेशन से रिलेटेड आप लोग के में भरवाया जाएगा, यहाँ पर पूरी चीज़ें दी गई हैं। उसके बाद वर्क एक्सपीरियंस, तो गाइज वर्क एक्सपीरियंस में आप लोग एन ए भर देंगे, बाकी अगर नहीं भरना चाहते तो उसे खाली छोड़ सकते हैं। अटैचमेंट, अटैचमेंट का मतलब होता है आपने जैसे कोई भी फर्स्ट डिवीज़न प्राप्त की, या फिर आपने कोई भी फर्स्ट मतलब कोई भी प्राइज किसी भी चीज में आपने कोई भी कुछ भी जीता, इस तरीके की इसमें चीज़ है। और बाकी अगर नहीं है तो आप लोग खाली छोड़ सकते हैं। क्वालिफिकेशन भरेंगे, कवर लेटर, कवर लेटर में क्या है, अपना पूरा चीज़ कवर लेटर आप लोग को टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। और कंप्लीट एप्लीकेशन भरने के बाद लास्ट में यहाँ पर पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मैं एक बार आप लोग को फॉर्म दिखा देती हूँ। तो गाइस यहाँ पर ये पूरा आप लोग का कंप्लीट फॉर्म है। अब देखिए हम लोग नेक्स्ट वाले स्टेप पे देखेंगे। देखिए एजुकेशन एंड ट्रेनिंग में आप लोग के लिए यहाँ पर भरेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप लोग भर देंगे अगर आपने एजुकेशन क्या किया, ट्रेनिंग क्या की है, तो ऐड पे जाएंगे, ऐड पे जाके आप लोग सारी चीज़ें यहाँ पर भर देंगे। इसी प्रकार से वर्क एक्सपीरियंस में आप लोग यहाँ पर कर देंगे कितना आप लोग का वर्क एक्सपीरियंस है, लोकेशन क्या है, सारी चीज़ें। देन आप लोग की अटैचमेंट में आप लोग यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। अब अटैचमेंट में देखिए यहाँ से ऐड करना है सारी चीज़ें। जब आप लोग यहाँ पर क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ओपन हो जाएंगे इसी तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट टाइट यहाँ पर आप लोग अटैच कर देंगे, चूज फाइल में। तो अटैचमेंट में जैसे आप लोग को कोई भी जो सर्टिफिकेट मिला होगा उसे आप लोग यहाँ पर जो है कर सकते हैं, आप लोग यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। क्वालिफिकेशन में आप लोग यहाँ पर देखिए क्वालिफिकेशन भरेंगे, ऐड पे जाएंगे, यहाँ पर देखिए ऐड पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप लोग की जो है इससे रिलेटेड क्वालिफिकेशन यहाँ पर ओपन हो जाएगी। जो भी आप लोगों ने क्वालिफिकेशन की है वो यहाँ पर ओपन हो जाएगी। देन आप लोग को क्या करना है, कवर लेटर पे जाना है और कवर लेटर में आप लोग को ये फिल फॉर्म करने देना है। यहाँ पर देखिए एप्लीकेशन सोर्स का देखिए यहाँ पर देखिए इस पर क्लिक करेंगे और कैंपस है आप लोग का, कैंपस डाल सकते हैं या फिर एम्प्लॉय और लेटरल डाल सकते हैं, तो आप लोग कैंपस डालें यहाँ पर। और यहाँ पर आप लोग डाल सकते हैं, ठीक है, ये चीज़ तो आप लोग यहाँ पर अगर खाली छोड़ना चाहें तो भर सकते हैं। और अदर इन्फॉर्मेशन में आप लोग अपना मतलब यहाँ पर जो है कवर लेटर का मतलब है अपने से रिलेटेड यहाँ पर सारी चीज़ें डालनी है। और यहाँ पर कवर लेटर में आप लोग देखिए टेलीग्राम पर मिल जाएगा, उसे आप लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, तो इतनी ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। और देखिए नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे तो आप लोग का इस तरीके का ओपन हो जाएगा। यहाँ पर कुछ चीज़ें आप लोग को एग्री करनी होंगी, जैसे आप लोग पास में ये फॉर्म आ गया, फॉर्म में यहाँ पर अटैचमेंट पे जाएंगे, थोड़ा स्क्रॉल करेंगे इस तरीके से, ये सारी चीज़ अटैचमेंट कर देंगे। देन आप लोग का यहाँ पर देखिए एट स्टेप में कंप्लीट हो जाएगा। गाइस जैसे ही आप लोग पूरी फॉर्म को फिल कर देंगे तो यहाँ पर एक आप लोगों का ऑटोमेटिकली रिज्यूम तैयार हो जाएगा, और इतना अच्छा पैटर्न में आप लोग का रिज्यूम तैयार होगा। आप लोग को मैं थोड़ा स्क्रॉल करके दिखाती हूँ, देखिए
देख सकते हैं गाइस, आप लोग को यहाँ पर काफ़ी अच्छे पैटर्न में यहाँ पर तैयार हो जाएगा। ये मैंने आप लोग के फॉर्म फिल नहीं किया है, तो इसीलिए इस तरीके का दिख रहा है। जब आप लोग फॉर्म फिल कर देंगे तो पूरा आप लोग का एक ऑटोमेटिकली PDF टाइप में आप लोग का यहाँ पर ऑटोमेटिकली रिज्यूम तैयार हो जाएगा। और गाइस जो है आप लोग का लास्ट स्टेप, जैसे ही आप लोग इसे कंप्लीट कर देंगे, लास्ट स्टेप होगा आप लोग का यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा बड़े स्टेप नहीं है, पहले स्टेप में बस पर्सनल डाटा भरना होगा, बाकी चीज़ें तो आप लोग के बहुत सिंपल है, आप बहुत आसानी से आप लोग भर सकते हैं। तो इस बार आप लोग को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए इसमें। तो गाइस आप लोग को जो अप्लाई लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, एंड चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।